महाराष्ट्र के वर्धा के आर्मी रेंज में बम को निष्क्रिय करने के दौरान धमाका, एक कर्मचारी समेत तीन लोगों की मौत। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से महाराष्ट्र के वर्धा भेजा गया था सेना का सामान, इसी दौरान पुराने बम को निष्क्रिय करते वक्त धमाका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज, 72 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या पहुंचे संघ के सहसर कार्यवाहक भैया जी जोशी, रामलला के दर्शन के बाद कहा टेंट में राम का ये अंतिम दर्शन हो उम्मीद है। संघ के सहसर कार्यवाहक भैया जी जोशी ने कहा कि अब पीएम मोदी को राम मंदिर को लेकर पहल करनी चाहिए। एबीपी न्यूज पर एमपी चुनाव के सबसे बड़े शो शिखर सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संवैधानिक तरीके से बनेगा राम मंदिर। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए राम मंदिर मुद्दे का इस्तेमाल करती है बीजेपी। प्रयागराज के ऋग्वेपुरम धाम में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाएगी योगी सरकार, निषाद राज के साथ होगी राम की प्रतिमा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के कार्यकर्ता इकबाल अंसारी ने भी संसद में कानून बनाकर जल्द हल निकालने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी का पार्टी से निष्कासन, समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर बेटे का प्रचार करने की बात कही थी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले कमलनाथ, एमपी में जीतेंगे 150 सीटें, राहुल ही तय करेंगे सीएम। एमपी के सागर में सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी, कहा प्रदेश में बनेगी हमारी सरकार, कमलनाथ की चक्की देर से चलती है लेकिन पिस्ती बारीक है। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर तंज, कहा 12वें महीने की 11वीं तारीख को कांग्रेस की 13वीं होगी। एमपी के उज्जैन के नागदा सीट पर प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत को युवक ने पहनाई जूते की माला। मध्य प्रदेश के दमोह में उमा भारती ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी को हराने की कोशिश की। सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे मनमोहन, कभी तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की। सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सीवीसी की रिपोर्ट पर कल डायरेक्टर आलोक वर्मा ने दाखिल किया था जवाब। बिहार में गठबंधन पर बोले एलजेपी नेता चिराग पासवान, जल्द ही बीजेपी एलजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारा हो जाएगा। सीबीआई के डीआईजी एमके सिन्हा ने अपने नागपुर ट्रांसफर के फैसले को दी चुनौती, कहा ट्रांसफर से पीएनबी जांच पर पड़ेगा असर। 1984 सिख दंगा मामले में आज हो सकता है सजा का ऐलान, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस में दो लोगों को ठहराया गया है दोषी। SC/ST एक्ट में हाल में हुए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में ब्रिटेन के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने की उम्मीदें बढ़ी, यूएई की अदालत ने कहा प्रत्यर्पण किया जा सकता है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नक्सलियों के खतों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मोबाइल नंबर का जिक्र, पुणे पुलिस कर सकती है दिग्विजय को समन। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने नक्सलियों से रिश्ते के आरोपों पर कहा पूछताछ के लिए जहां कहेंगे हाजिर रहूंगा। अमृतसर हमले के पीछे आतंकी जाकिर मूसा का हाथ, ISI के साथ मिलकर रची थी साजिश, सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। अमृतसर ग्रेनेड हमले में पुलिस नए सिरे से दूसरे एक्सपर्ट से बनाएगी सस्पेक्ट के स्केच, एक सस्पेक्ट ने पहचान छुपाने के लिए चश्मा पहन रखा था। एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के लिए मुंबई पुलिस ने प्रयागराज से आरोपी शाहरुख गुलाम नबी उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के कोरियोग्राफर एग्नेस हैमिल्टन को गिरफ्तार किया, डांस सिखाने के नाम पर सेक्स रैकेट चलाता था। मुंबई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी की विलय पार्ले की कॉलोनी के भीतर अनजान लोगों ने बेरहमी से पिटाई की, नानावटी अस्पताल में इलाज शुरू। दक्षिण दिल्ली के मदनगीर इलाके में दो बाइक सवार ने दूल्हे को मारी गोली, घायल दूल्हा अस्पताल में वापस शादी करने पहुंचा। ट्रेनों में लूट मचाने वाला गिरोह सामने आया, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ट्रेन में हजार से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाला 5 बदमाशों का गिरोह गिरफ्तार किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर लाखों की विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय नागरिक गिरफ्तार, साड़ी में छुपाकर डॉलर और यूरो ले जा रहे थे दुबई। यूपी के कानपुर में IIT प्रोफेसर ने संस्थान के 4 सीनियर प्रोफेसर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
यूपी के बागपत के युवक का अपहरण कर हरियाणा ले जाकर बंधक बनाया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने युवक को फिरौती देकर छुड़ाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रिकेट मैच में पैसे के विवाद को लेकर मारपीट। यूपी के कानपुर में पति ने पत्नी की जीप काटी। कानपुर में पेट्रोल पंप के मालिक से बाइक सवारों ने 10 लाख रुपए लूटे। यूपी के चंदौली में शराब तस्करों और पुलिस में मुठभेड़। दिल्ली में कल रात शादियों की वजह से कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाला रास्ता महिपालपुर के पास भी ट्रैफिक जाम से भरा था। सूरत में जैन साधी से छेड़छाड़ की घटना के बाद साधियों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की। पूजा पाठ के साथ उत्तराखंड में आज बंद किए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुरुष दिवस पर पत्नियों से पीड़ित पतियों ने निकाली रैली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच कल। ब्रिस्बेन के मैदान में टीम इंडिया ने मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय महिला टीम की टक्कर इंग्लैंड से होनी है। 23 नवंबर को होगा मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर फिर हमला। पाकिस्तान ने बिन लादेन और अफगानिस्तान में कुछ नहीं किया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।